हेलो एवरीबॉडी, सो ये टैंक जो आप देख रहे हैं इसको आज हम डिलीवर करने जा रहे हैं कस्टमर के घर पे। दिस इज़ RS-120B। टाइम क्योंकि कम था, आई कुड नॉट शूट द इंट्रो, इसलिए बस हम पैकिंग कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या हम लगाने वाले हैं, कौन सा लाइट है, क्या क्या चीज़ें होने वाली है, क्या फिशेज होने वाली है, ये सब आपको वीडियो में बीच बीच में बताता रहूँगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, वीडियो को एंड तक देखिए। ये टैंक का कवर है जो अपनी गाड़ी में ले लिया मैंने इसको। एंड नाउ वी आर ऑन द वे टू द कस्टमर्स हाउस। वी आर हियर, हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे और अब अनलोड करने वाले हैं टैंक को। जीतेन स्माइल कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो ये हमारा टैंक आ चुका है प्लेस पे, इसके बाद हम कैबिनेट लाएंगे। नाउ कम्स द टर्न ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट को अनलोड करने वाले हैं। आराम से भैया, ठीक है ना? दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कैबिनेट, बहुत आराम से इसमें कैनिस्टर हम लोग फिट कर सकते हैं। ब्यूटिफुल कलर पैटर्न में आता है, वेरी नाइस, एक प्योर फर्नीचर के जैसा लुक। हमारे क्लाइंट के घर पे ये एक टैंक था जो पहले से था, तो इसको हम लोगों को शिफ्ट करना है दूसरे जगह पे। सेम जगह पे हमारा नया टैंक लगने वाला है, तो इसको हम लोग बस अब साइफन करके पानी बाहर निकाल रहे हैं। देन वील टेक द फिशेस केयरफुली आउट और उसके बाद यहाँ पे हम नया टैंक सेटअप करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इस टैंक को दूसरे जगह पे फिट कर रहे हैं ताकि फिशेस को स्ट्रेस ना आए ज़्यादा देर। कमिंग बैक टू द न्यू टैंक, आवर 4 फीट टैंक। सबसे पहले हमें बैकग्राउंड लगाना है पीछे, तो ब्लैक बैकग्राउंड हम प्रेफर कर रहे हैं, प्लेन ब्लैक। नेक्स्ट अब हम लोग अपने लोकेशन पे कैबिनेट और टैंक को रखने वाले हैं सबसे पहले, उसके बाद बाकी का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। कैबिनेट के बाद नेक्स्ट वी हैव द टैंक, टैंक को हम उसके ऊपर रखने वाले हैं। ये टैंक का कवर है, वेरी ब्यूटीफुल कवर, मेटल कवर आता है इसके साथ। दिस इज हाउ आवर टैंक लुक्स, ऐसा दिखने वाला है हमारा टैंक। इसमें ठीक है, बहुत ही पावरफुल ब्राइट LEDs आते हैं। अब हम लोग इसका टॉप फिल्टर सेटअप कर रहे हैं, इसमें टॉप फिल्टर आता है साथ में इनबिल्ट। द फर्स्ट स्टेप इज द फिल्टर स्पॉन्ज, हमने फिल्टर स्पॉन्ज लगा लिया है इसमें। नेक्स्ट हम लोग सबमर्सिबल पंप का फिटिंग कर ले रहे हैं। वी आर ऑल डन, और अब हम इसमें और कुछ फिल्टर मीडिया ऐड करने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, ये जो आप देख रहे हैं ये सिरामिक रिंग्स हैं, इसको हम अच्छे से हमारे टॉप फिल्टर में स्प्रेड कर देंगे। गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ के लिए काम आता है, वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर वाटर क्लैरिटी। पानी में स्मेल सिरामिक रिंग्स के चलते बहुत ही कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ करने वाले हैं इस टैंक में। एक्टिवेटेड कार्बन भी वाटर प्योरीफाई करने के काम आता है। दिस इज एक्टिवेटेड कार्बन, ये एक्टिवेटेड कार्बन है, इसको भी हम फिल्टर मीडिया के ऊपर पूरा स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। इसके बाद वी आर ऑल डन, नाउ कम्स द टर्न ऑफ वाटर फिलिंग, हम वाटर फिल करने वाले हैं। एंड दिस इज हाउ आवर टैंक लुक्स। So this was RS-120B. This is a 4 feet tank. ये 4 feet tank है, around 18 inches in height है, 20 approx, और width में 15 inches है। इसमें हम लोग canister filter बाद में fit करने वाले हैं if required, क्योंकि इसका filter काफी powerful है और हमने काफी सारे filter media use कर लिया है, इसलिए अभी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ने वाला है इसमें। ये एक bare bottom tank होने वाला है, black background हमने use किया इस tank में। Widows का plan है इसलिए black background हमने use किया है। Stay tuned for the next video. अगला वीडियो आएगा जब हम इसमें फिशेज ऐड करेंगे। Till then, hit the subscribe button, like and comment. देखो तो कैसा लग रहा है? कैसा है? अच्छा है?